रघुनाथ पांडे है, मैं गोंडी का रहने वाला हूँ, मुंबई का। मुझे किडनी स्टोन, डायबिटीज़ और हार्ट की भी तकलीफ थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बहुत डॉक्टरों के साथ इलाज किया, चेंबूर में भी किया, डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस भी रखा था और वहाँ से करीब आठ बार डायलिसिस करने के बाद मेरे को होश आया था, मैं बहुत कोमा में था। जब मुझे होश आया इसके बाद फिर सारी दवाएं चालू हुई और फिर से मेरी किडनी काम करने लगी थी, लेकिन बहुत कम काम कर रही। एलोपैथी की दवाइयां खाते खाते मैं तो बहुत हैरान था और लगातार मेरे को उन गोलियों से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट, स्किन डिसीज़ और बहुत सी चीज़ें हो रही थी। और हर जब कोई चीज़ हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाएँ, बार बार दिखाएँ तो कोई भी गोली वो लिख देते थे, लेकिन हर गोली की साइड इफ़ेक्ट तो होती ही थी। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अप्रॉक्सीमेटली 20 टेबलेट एक बार में खाना पड़ता था और 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता था। मेरा इस इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 5-6 लाख रुपये खर्चा हुआ। और इसके बाद भी मुझे जितना आराम चाहिए था उतना आराम नहीं हो रहा था, और दवा तो मुझे कंटिन्यू लेनी ही पड़ती थी, और एलोपैथी के जो इंसुलिन है वो भी, इसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते थे और उसको दूर करने के लिए फिर गोलियां लेनी पड़ती थी, इसलिए तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही थी। सुनीता गुप्ता मेरे मित्र की वाइफ हैं, उन्होंने साइंटिस्ट मुनीर खान के बारे में बताया और मुझे यहाँ पर ले आई। मैं साइंटिस्ट मुनीर खान जी के बंगले पर पहुँचा और वहाँ पर देखा तो काफ़ी लंबी लाइन कतार थी, और कतार के बाद जब मेरा नंबर आया तो डॉक्टरों की टीम ने मेरी जो रिपोर्ट थी वो सब देखी, तो उन्होंने कहा कि आप बॉडी रिवाइवल लीजिए, इससे आपको काफ़ी आराम पड़ेगा। तो हमने कहा कि मुझे खान साहब से मिलना है और एक बार मिल के मैं उनसे बात कर लूँ कि भाई कितना परसेंट या कितना आराम हो सकता है। जब मैं खान साहब से मिला तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएंगे, और जो मैं चल भी नहीं सकता था ज़्यादा, बिस्तरे पर ही रहता था, आज चल पाता हूँ और काफ़ी राहत है मेरे। ये दवा लेने के बाद मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और लोगों से ये भी बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। साइंटिस्ट मुनीर खान जी को भगवान लंबी उम्र दें, और एक मसीहा की तरह जिस प्रकार वो सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार वो लंबे समय तक सेवा करते रहें, यही हमारी कामना है।